हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। देखिए, अभी तक हम पिछले वीडियो में क्या बताए थे कि हमको यानी थ्योरी पोर्शन सारा खत्म हो गया किसका, पारगम्यता का, है ना। हम चैप्टर क्या शुरू किए थे, पारगम्यता। सबसे पहले उस चैप्टर में जाने थे पारगम्यता क्या होता है ना। उसके बाद समझे हैं डार्सी ला क्या होता है, पारगम्यता कहाँ कहाँ ज़्यादा पारगम्यता की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ कम पारगम्यता की ज़रूरत है ना। फिर पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक कौन थे, उसके बाद डार्सी ला पढ़े हैं। डार्सी ला के बाद हम देखे हैं सुपरफेशियल वेलोसिटी और हम देखे थे एक्चुअल वेलोसिटी। उसी वीडियो में हम क्या बताए थे पिछले वीडियो में कि हम शुरू करेंगे अब टेस्ट, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल टेस्ट। क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। उसमें पहला टेस्ट मेरा क्या था, फिर हम रिवीजन करते हैं। पहला टेस्ट मेरा था लैब टेस्ट यानी लेबोरेटरी टेस्ट, है ना। क्या टेस्ट था मेरा, लेबोरेटरी टेस्ट। अब लेबोरेटरी टेस्ट में क्या था, दो प्रकार का था। पहला था आपका कांस्टेंट हेड मेथड, क्या आपका कांस्टेंट हेड मेथड, और दूसरा था आपका फॉलिंग हेड मेथड, फॉलिंग हेड मेथड, या इसे वेरिएबल हेड मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, वेरिएबल हेड मेथड, है ना। क्या था आपका, फॉलिंग हेड मेथड या फिर वेरिएबल हेड मेथड। तो देखिए सिलेबस में आपके यही है, अब सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिख दिया है कि लेबोरेटरी टेस्ट। सिंपल क्या लिखा है, लेबोरेटरी टेस्ट। सिलेबस में आपके यही है, लेकिन हम आपको वो भी पढ़ा देंगे। कौन वाला, फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट दो प्रकार से, फॉलिंग हेड मेथड और फील्ड टेस्ट दो प्रकार से, पंपिंग आउट और पंपिंग इन। क्लियर है बात, है ना। तो उसको भी हम देख लेंगे और ऊपर देखेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको हम अच्छे से देखेंगे। अब समझिएगा, ए क्या है आपका, जो पहला है ए आपका है कांस्टेंट हेड मेथड टेस्ट। क्या है आपका, कांस्टेंट हेड मेथड टेस्ट, ठीक है। ए क्या है आपका, फॉलिंग हेड मेथड, फॉलिंग या फिर वेरिएबल हेड मेथड, ठीक है। क्या है आपका, वेरिएबल हेड मेथड। अब समझिएगा, अब समझिए, अब क्या करेंगे, हम जाएंगे लैब टेस्ट है। क्या टेस्ट है आपका, लेबोरेटरी टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, लेबोरेटरी टेस्ट है। अब जहां आपको स्ट्रक्चर बनाना है, आपको डैम बनाना है, आपको नलकूप धंसाना है, आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है, कोई भी, है ना, नहर बनाना है, वहाँ जाएंगे, वहाँ के सॉइल सैंपल को खोद के लेके आएंगे। और जो सॉइल सैंपल खोदेंगे, दो प्रकार का सॉइल सैंपल, या तो आप ऐसे खोद के लेते आइए यानी जैसे मिट्टी है ताम झाम इधर उधर हो जाएगा, या फिर अच्छे से प्लेन से जाइए खोद के आराम से निकालिए। यानी जब मिट्टी को निकालने का टेस्टिंग करने के दो विषय खोदा जाता है, एक्सकवेशन कहता है। एक होता है डिस्टर्ब, क्या होता है आपका, डिस्टर्ब, यानी मृदा क्या हो गया, ऐसे था खोदे इधर उधर हो गया। दूसरा होता है अनडिस्टर्ब, क्या होता है आपका, अनडिस्टर्ब सॉइल, यानी सॉइल है ना उसमें आराम से धसाएंगे इंस्ट्रूमेंट को, आराम से सॉइल को निकालेंगे कि जैसा है सॉइल वैसे वैसे हम लेकर लैब में आए, उसे हम कहते हैं अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। क्या कहते हैं, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल, अक्षुब्ध शायद कहते हैं मृदा प्रतिदर्श, अक्षुब्ध मृदा, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल। तो एक बात याद रखिएगा, हम जितना भी टेस्ट कर रहे हैं ना, 99% केस में हम अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल ही लाते हैं। यानी मृदा को हम जब लैब में लेकर आएंगे तो आराम से खोद के लाएंगे, जैसा है वैसा ही हम मृदा लैब में लेके आए। लेकिन एक बात यह भी है कि सॉइल पूर्ण रूप से आप अनडिस्टर्ब नहीं ला सकते। भाई मिट्टी की खोद करके कुछ लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, ठीक है। तो देखे होंगे कहीं कहीं लिखता होगा आपको अक्षुब्ध, क्या लिखेगा, अक्षुब्ध, ऐसा लिखा अक्षुब्ध मृदा प्रतिदर्श। तो अक्षुब्ध मृदा प्रतिदर्श मतलब ये हुआ कि जैसा फील्ड में है सेम वैसा वैसा खोद के ला कर रख दिया है, अनडिस्टर्ब, यानी उसको अनडिस्टर्ब नहीं किया है, ठीक है। लेकिन एकदम 100% अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आपको नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि तो खोदेंगे तो कुछ ना कुछ तो सॉइल डिस्टर्ब होगा ही। जैसे कि आपको आइडियल फ्लूड नहीं मिल सकता, आइडियल सॉलिड नहीं मिल सकता, उसी तरह अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल नहीं मिल सकता। क्लियर है बात, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा पहला मेरा क्या है, फॉलिंग है कांस्टेंट हेड मेथड। क्या आपका, कांस्टेंट हेड मेथड, यानी स्थिर शीर्ष विधि, स्थिर शीर्ष विधि, ठीक है, स्थिर शीर्ष विधि। अब देखिए इसका नाम ही है स्थिर शीर्ष, यानी इसका हेड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक बात याद रखिएगा, एक किस सॉइल के लिए है आपका, यह है कोर्स ग्रेन सॉइल,
किसके लिए? कोर्स एंड सॉइल के लिए। मेनली किसके लिए होता है? मेनली होता है सैंड के लिए। किसके लिए होगा आपका? मेनली होगा आपका सैंड के लिए। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे आपके पास, देखिए अब इसका कैसे लिखेंगे। सर्वप्रथम एक साँचा लेंगे, साँचा में सॉइल सैंपल भर देंगे, सॉइल सैंपल को चबूतरे के ऊपर रख देंगे, एक चबूतरा रहता है। उसके बाद जब साँचे के ऊपर ऊपर क्या लगा देंगे हम, एक नली के द्वारा ऊपर टैंक लगा देंगे, टंकी लगा देंगे, है ना। उस टंकी में वाटर सप्लाई की व्यवस्था किए रहते हैं, उस टंकी के नली के द्वारा हम सॉइल सैंपल से जोड़ देते हैं। प्रारंभ में मृदा को पूर्ण रूप से क्या करेंगे, सेचुरेट करेंगे, हम जैसा बोल रहे हैं ऐसा लिखना है। प्रारंभ में मृदा को सेचुरेट करने के लिए ऊपर से हम पानी आने देते हैं, ऊपर से पानी आने देंगे। देखिए प्रारंभ में सॉइल सेचुरेटेड नहीं रहेगा, पूरा सेचुरेटेड, तो मृदा जब पानी ऊपर से डालेंगे, तब पानी इसमें डालेंगे तो हेड क्या होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, क्योंकि अभी सॉइल की पूर्ण सेचुरेट नहीं है। जब पूरा सेचुरेट हो जाएगा तो यानी पूरा सेचुरेट होने के बाद सॉइल का पानी डालेंगे तो क्या होगा, एक इसका हेड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा पानी। यानी जितना पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, जितना पानी जितने समय में नीचे आ रहा है, उतना ही पानी इधर से निकल जाएगा। बात समझिएगा, जितना पानी आएगा उतना ही पानी इधर से निकल जाएगा, तो इसका हेड क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, यानी हेड वहीं पर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। बात को समझ रहे हैं, इसीलिए इसका क्या नाम है, कांस्टेंट हेड मेथड। यानी जितना पानी आप सप्लाई देंगे उतना ही पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। यदि ज़्यादा पानी दे देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हेड ऊपर चला जाएगा, तब फेल हो जाएगा। यानी यहीं आप चाहें तो यहीं क्या लगा देंगे आप, यहीं ओवरफ्लो लगा दीजिए, यहीं टकराने दीजिए, यहीं क्या लगा देंगे आप, ओवरफ्लो। ये कौन सा पाइप हो जाएगा आपका, ओवरफ्लो, क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो पाइप। यानी आप ज़्यादा पानी भी देते हैं तो कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर हेड नहीं जाएगा। अब बताइए इसके ऊपर हेड जा सकता है क्या, नहीं जाएगा। जैसे ही पानी देंगे हेड क्या होगा, ऊपर जाएगा, तब तक निकल जाएगा इधर, है ना। आप ओवरफ्लो भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो आपका गलत नहीं है, ठीक है। बस इतना होना चाहिए कि आपका इसका हेड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जितना पानी दे रहे हैं उतना पानी निकल जा रहा है। तो हम डार्सी ला से हम क्या जानते हैं, क्योंकि डार्सी ला ना, डार्सी ला समझिए, उसके बाद क्या करेंगे हम, समय नोट करेंगे। कहने का मतलब, जब सॉइल पूर्ण रूप से सेचुरेट हो जाएगा उसके बाद हम समय को क्या करेंगे, नोट करेंगे, क्या करेंगे, समय नोट करेंगे, और देखेंगे कि कितने समय में कितना पानी इसमें इकट्ठा हो रहा है। जरा आशांकित जार है ना, इसमें निशान बना हुआ है, हम देख लेंगे कितना पानी इसमें गिरा हुआ है। तो डार्सी लॉ हम जानते हैं कि क्यूब इक्वल टू क्या होता है, के आई ए, क्या होता है, के आई ए। ए क्यूब क्या है, डिस्चार्ज, क्यूब क्या है, डिस्चार्ज है, और डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम अपान टाइम, है ना। यानी क्यूब इक्वल टू क्यू अपान टी, ठीक है, रखिए इसके जगह इसके, तो रखेंगे क्यू अपान टी इक्वल टू के आई, मतलब क्या होता है, एच इंटू अपान एल, हेड लॉस इंटू लेंथ। देखिए लेंथ है ना, इतने लेंथ पानी यहाँ से आने में, यहाँ में कितना हेड लॉस होगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, ए, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, क्यू इंटू एल अपान एच टी ए, क्या हो जाएगा आपका, एच टी ए, सही है ना, क्यू अपान एल इंटू एच एच टी टी ए, क्या हो जाएगा, क्यू एल अपान एच टी ए, ठीक है। अब समझिएगा क्यू क्या है, डिस्चार्ज नहीं, टी समय में, टी समय में कितना पानी इकट्ठा हो रहा है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर है, कि टी समय में कितना पानी इकट्ठा हो रहा है। टी क्या है, टाइम है, है ना, कौन टाइम है, जब उसका फ्लो रेट कांस्टेंट हो गया, यानी इससे तो पानी निकलने का रेट, यानी अपने कांस्टेंट रेट से पानी निकल रहा है, वो आपका है टी। एल क्या है, सिंपल का लेंथ है, है ना, लेंथ ऑफ सिंपल, और ये क्या है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका एरिया, ए वाला एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, और कुछ बच रहा है, क्यू हो गया, यल हो गया, टी हो गया, यच 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 हाइट है, है ना, जल शीर्ष है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपका, जल शीर्ष, ठीक है। तो ये क्या था आपका, सिंपल सा कांस्टेंट हेड मेथड, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे भाई। हम जानते हैं डार्सी लॉ किस पे लिखे पर है, जब मृदा पूर्ण रूप से सेचुरेट हो, वन डायमेंशनल हो, लेमिनार एक फ्लो हो, तो लेमिनार फ्लो होगा सॉइल में, ऊपर से मिट्टी ऊपर से सबसे पहले पानी डाल के इसको सेचुरेटेड कर लिए, उसके बाद हम समय देखना तब शुरू किए हैं जब मृदा पूर्ण रूप से सेचुरेट हो गया है। हम देख लिए हैं एक घंटा, आधा घंटा, दस मिनट में, कोई एक निश्चित समय में कितना पानी इकट्ठा हुआ है, वही क्यू है। और देखिए क्या आपके पास नहीं है, क्यू,
क्यूब आपके पास है कि नहीं, देखिए क्यूब आपके पास है, कितना पानी इकट्ठा हुआ है आपको मिल जाएगा। एल भाई इसकी लंबाई भी आपको पता है, एच जल शीर्ष भी आप माप लेंगे, टी कितने समय में पानी इकट्ठा हुआ वो भी माप लेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो भी माप लेंगे, तो आपका निकल जाएगा के। के क्या है? पारगम्यता गुणांक। के क्या है आपका? पारगम्यता गुणांक। क्लियर हुआ? कुछ नहीं है, इसका हेड क्या है? कांस्टेंट है, सिंपल सा है, फार्मूला है। अब दूसरा हमको पढ़ना है फॉलिंग हेड मेथड। क्या आपका? फॉलिंग हेड मेथड। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? फॉलिंग हेड मेथड। अब फॉलिंग हेड मेथड में क्या करेंगे समझिए, अब क्या है ना, ये लकड़ी का है, लकड़ी का बोर्ड है, लकड़ी के बोर्ड पे क्या करेंगे, एक हम नली को फिट कर देंगे। देखिए लकड़ी के बोर्ड पे क्या चिपका दिए हैं, नली, और नली से पाइप हम स्वाय सिंपल से जोड़ दिए हैं। अब क्या करेंगे, ऊपर से इसमें पानी डालेंगे, किसमें, इस नली में पानी डालते रहेंगे, बात वैसे ही फिट किए नीचे, बाकी ऊपर दूसरे तरफ से फिट किए, टंकी नहीं लगाए हैं, इसमें पानी डालते रहेंगे। कब तक पानी डालेंगे? जब तक मृदा स्वाय सिंपल पूर्ण रूप से सेचुरेटेड ना हो जाए। जब स्वाय सिंपल सेचुरेटेड हो जाएगा उसके बाद पानी डालना बंद कर देंगे। जब पानी डालना बंद कर देंगे, समय माना किसी समय में पानी यहाँ था और डीटी समय में पानी कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ध्यान समझिएगा, यानी पानी कहाँ था, यहाँ। इसे कहेंगे हम लोग, ऐसे ही लिखना है सीधे सीधे, यचवन पानी यहाँ था, यचवन यहाँ से लिखे, जबकि डीटी समय में पानी यहाँ चला गया, इसे कहेंगे हम लोग यच टू, यच वन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यच टू। कितना हेड का लॉस हुआ, तो डीटी समय में डीएच हेड का लॉस हुआ। नली का क्षेत्रफल ए, सॉयल सैंपल का क्षेत्रफल कैपिटल है, नली का क्षेत्रफल स्मॉल है, सॉयल सैंपल का क्षेत्रफल कैपिटल है, ठीक है। माना किसी समय सॉयल ऊंचाई कितना था, यच था। माना किसी समय ऊंचाई क्या था, यच था। भाई देखिए, मतलब किसी समय के देख रहे हैं हम, 10 मिनट 20 मिनट 5 सेकंड में देख रहे हैं, लेकिन किसी न किसी समय ऊंचाई मान लेते हैं यच है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसको मिटाते हैं। हम जानते हैं क्यूब इजिकल टू क्या होता है, के आई ए, सिर्फ सिंपल सा वही फार्मूला था। क्यूब इजिकल टू क्या होता है, के आई ए, और ए इजिकल टू होता है वी अपान टी इंटू के आई ए। आई को हम चेंज कर रहे हैं यच अपान यल इंटू ए। अब देखिएगा आई इजिकल टू क्या होता है, हम लिखेंगे कभी डेल्टा यच अपान यल, कभी हम लिख देंगे यच अपान यल, कभी लिख देंगे यच एल अपान यल। तो आपको समझना है, किसी भी डिनोशन से यानी किसी भी तरह से हम दर्शा सकते हैं। अभी यहाँ यच एल इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि यल से यल लगता है कट जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम यच अपान यल लिख रहे हैं, उससे थोड़ा सॉल्व करने में समझदारी बढ़ती है। अब देखिएगा क्यू, क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, कितने समय है, डी टी समय। भाई समय कितना है, डी टी समय है, देखिए डी टी समय, ठीक हो डी टी कर दिए। क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, के एच ए अपान यल। क्यू क्या होता है, क्यू होता है आपका वॉल्यूम, मैं पीछे बताया ना, क्यू क्या होता है आपका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब इसका वॉल्यूम, कितना पानी गिरा, जितना नीचे आया भाई, इस समय से लेके इस समय तक यहाँ टाइम है जीरो, यहाँ टाइम है टी, जीरो से लेके टी समय के बीच कितना पानी गिरा होगा, इतने नली का आयतन का पानी गिरा है ना, तो इतने नली का आयतन क्या होगा, देखिए तो ए, इसका क्षेत्रफल ए गुणे डी एच, समझिए इसका हेड फॉल कर रहा है ना, इसीलिए इसका नाम है फॉलिंग हेड मेथड। ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होता है, किसके लिए होता है, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, ठीक है। तो देखिए कितना पानी गिरा, इसके नली में जितना आयतन होगा, तो कितना आयतन है, ए गुणे डी एच, इतने का ऊंचाई डी एच और क्षेत्रफल ए, माइनस लगा देंगे। ए माइनस क्या दिखाता है, कि समय के साथ साथ ऊंचाई घट रही है, समय के साथ साथ ऊंचाई घट रही है, तो क्या लगा दिया हम, माइनस लगा दिया, ठीक है। थोड़ा तो कैमरे की तरफ भी देख लें, तभी सीधा इधर ही भेजी हैं। अब देखिएगा इधर कैसा हो जाएगा, कि एच ए अपान यल, माइनस को ख़त्म करते हैं, ऐसा देखिए डी एच अपान यच हो जाएगा इजकल टू के, हाँ क्या हो जाएगा आपका, ए एच अपान ए एल इंटू के। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसको एच वन से लेकर के एच टू तक समाकलन करेंगे, यानी
डी एच अपान एच, इसको जीरो से लेके टी तक समाकलन करेंगे। अब देखिए तो समाकलन करेंगे जीरो से लेके टी तक, तो ए एच अपान ए एल इंटू सिर्फ किसका समाकलन करेंगे, कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ छूट रहा है जी, देखिए तो हाँ यहाँ देखिए डी टी अब कहाँ जाएगा, यहाँ डी टी जाएगा ना, ये डी टी है डायरेक्ट क्यूब लिखे हैं, तो डी टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर के एच ए एल, हाँ के एच ए, यहाँ आ जाएगा आपका डी टी, तो क्या हो जाएगा इसमें डी टी, ठीक है, वेट 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 के देखते हैं ए, हाँ ए एच तो नीचे आ गया ना, ए एच नीचे आ गया, देखिए एच को नीचे लेके आ गए, तो के ए हो जाएगा, के ए के अपान ए एल, हाँ देख लेते हैं एक बार और समझिएगा, क्यू इजकल टू के आई ए, क्यू क्या होता है, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज यानी वॉल्यूम अपान टाइम, कितने टाइम, डी टी टाइम, के आई कमान एच अपान एल, ए कमान ए, क्यू डी टी को उधर लेकर चले गए, के एच ए डी टी एल, देखिए क्यू क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इसका देखते हैं के एच ए एल डी टी, सही है। अब इस एच को नीचे लाएं, देखिए डी एच को यहीं रहने दिए, इस एच को नीचे लाएं, ए को नीचे भेज दिए, तो एच को नीचे ला दिए, बचेगा ए और के, क्या बचेगा, ए और के बचेगा और डी टी बचेगा, ठीक है, ए बचेगा, के बचेगा, डी टी बचेगा, और नीचे एल था पहले से, एच वाले ए को नीचे ला दिया। अब क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, अब समाकलन करेंगे, देखिए किसका समाकलन होगा, जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो एच भाई समय के साथ साथ यच तो घट ही रहा है, तो यच तो वेरिएबल है, इसको बाहर निकालेंगे नहीं, ये देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल, क्या समय के साथ साथ इसका क्षेत्रफल चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, ए को बाहर निकाल दिया समाकलन से, के समय के साथ साथ इसकी जो पारगम्यता गुणांक है क्या वो चेंज होने वाली है, नहीं चेंज होने वाली, वाली ये जो स्वाय सिंपल है, ये कितना भी समय हो जाए उसकी पारगम्यता एक ही रहेगी, कितना भी धीरे धीरे पानी आए इसकी पारगम्यता जो है वो है, इसलिए के को भी बाहर निकाल दिया। ए भाई समय के साथ साथ इन नली का क्षेत्रफल ए चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, ए भी बाहर निकाल दिए, समय के साथ साथ क्या इसकी लंबाई चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, तो उसको भी क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, समय के साथ साथ समय खुद चेंज हो रहा है, तो डी टी का क्या करेंगे, सिर्फ समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, समाकलन करने पर आपके बुक में दिया है सोलूशन, देख लीजिएगा, के इजकल टू 2.303 क्या हो जाएगा आपका, ए एल अपान ए टी इंटू लॉग लॉग 10 एच वन अपान एच टू, ठीक है, लिख लीजिएगा बुक में सोलूशन दिया, इतना आपको समझाना था, ठीक है, तो हम क्या है 2.300 ए एल, ठीक है, हम मिला ले रहे हैं आपका ए एल अपान ए टी, देखिए के है तो एल और ए के टी नीचे चला जाएगा, हम देखते हैं 2.300 ए एल अपान ए टी, सही है, ठीक है, ये क्या है आपका, सही है, ठीक है, तो दोनों फार्मूले याद रखिएगा, कौन सा, पिछला वाला और ए वाला, क्योंकि इसी पे क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, इस चैप्टर में बस तीन ही फार्मूले हैं, टारसिला और डार्सिला याद रहेगा, तो ये दोनों इसको याद रखना है, और पिछला वाला यानी कांस्टेंट हैंड मेथड का, इसी पे तीन पे बस तीन फार्मूले पे सारे सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, तो हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, तो देखिएगा लेबोरेटरी टेस्ट में एक सिलेबस में था आपका डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इन लैब, यानी प्रयोगशाला विधि के द्वारा पारगम्यता गुणांक को ज्ञात करना। अब देखिए लिखेंगे कैसे, हम सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इसको क्या करेंगे कि लिखेंगे कि कांस्टेंट हेड मेथड, कांस्टेंट हेड मेथड एक तरह का प्रयोगशाला विधि होता है, कांस्टेंट हेड मेथड के द्वारा हम कोर्स ग्रेंड सॉइल का पारगम्यता गुणांक को ज्ञात करते हैं, लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे सबसे पहले सांचे में अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल अक्षुब्ध मृदा प्रतिदर्श को भरेंगे, उसके बाद मृदा प्रतिदर्श के ऊपर नली के द्वारा कनेक्ट हुआ रहता है एक टंकी से, इसको नली को जोड़ देंगे सॉइल सैंपल को, सॉइल सैंपल के नीचे एक आउटफ्लो के लिए यानी आउट के लिए पानी को बाहर निकालने के लिए एक नली लगी रहती है, नली को पानी बाहर निकालकर एक आशांकित जार से जोड़ देते हैं, जैसे जिससे कि जितना पानी निकले उसका क्वांटिटी हमको मालूम चल सके, सर्वप्रथम
पानी हम सप्लाई देंगे, जब तक पानी सप्लाई देते रहेंगे जब तक मृदा पूर्ण रूप से सैचुरेटेड ना हो जाए। सैचुरेटेड होते समय हम समय को काउंट नहीं करेंगे, जब मृदा का सॉइल सैंपल पूर्ण रूप से सैचुरेट हो जाएगा उसके बाद जब पानी गिरने का दर कांस्टेंट हो जाए, यानी ऊपर का हेड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, इसलिए इसको कांस्टेंट हेड मेथड कहते हैं। जब कांस्टेंट हो जाए तो समय हम देखना शुरू करते हैं, माना टी समय में कितना वॉल्यूम मिला है जल का क्यू, तो डार्सी नियम से क्यू अपन क्या ये पिछला वाला समीकरण कर लेना है। ठीक है, बुक में आपके दिया एक बार पढ़ लीजिएगा, हम बोल भी दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, सेम वही काम करेंगे, इसमें लिखेंगे सर्वप्रथम इसका हेड चेंज होते रहता है, इसलिए इसको फॉलिंग हेड मेथड कहते हैं। फॉलिंग हेड मेथड एक लैब टेस्ट होता है, लैब टेस्ट के द्वारा हम यानी फॉलिंग हेड मेथड द्वारा हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल का पारगम्यता गुणांक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक सॉइल सैंपल लेंगे, सॉइल सांचा लेंगे, उसमें सॉइल सैंपल को भर देंगे, सांचे का क्षेत्रफल है, लंबाई एल, इसका भी लिख देना है ए और एल। उसके बाद एक लकड़ी का बोर्ड टांग देंगे, बोर्ड के ऊपर हम ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे जिससे पानी का सप्लाई कर सकें। सर्वप्रथम ऊपर से पानी देते रहेंगे, कब तक पानी देंगे, जब तक सॉइल सैंपल पूर्ण रूप से सैचुरेटेड ना हो जाए। जब सॉइल सैंपल सैचुरेटेड हो जाए पानी देना बंद कर देंगे। उसके बाद कुछ समय बाद हम देखेंगे कि डीटी समय में कितना फॉल, मतलब कि हेड का फॉल हो रहा है, कितना हो रहा है, माना डीटी समय में डीएच हो रहा है। प्रारंभ में ऊंचाई H1 था तथा डीटी समय बाद ऊंचाई H2 हो जा रहा है, तो डार्सी नियम से हम जानते हैं ऐसा लिख देना है। ठीक है, हो जाएगा। अब क्या समझना है आपको, कहाँ गया मिटाने वाला, अब क्या समझना है आपको, फील्ड टेस्ट है ना, क्या समझेंगे हम लोग, फील्ड टेस्ट। ठीक है, फील्ड टेस्ट हम फटाक से बताते हैं कि ना दे। ठीक है, चलिए ऐसा ना, फील्ड टेस्ट हम रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि फील्ड टेस्ट आप क्या है, नहीं पंपिंग आउट मेथड और पंपिंग इन मेथड। ठीक है, तो क्या करते हैं रहने देते हैं, सिलेबस में है ही नहीं तो क्या वो आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जब जेई की तैयारी करते हैं, कितना क्लास हो चुका टाइम, जब हम जेई का तैयारी करते हैं ना उसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ठीक है, तो उसको छोड़ी चलिए कर देते हैं, जब हम कह दिए हैं कर ही देते हैं। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे, फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट मतलब हाँ स्थल विधि। इसमें पहला था आपका, शॉर्टकट करेंगे इसको, पंपिंग आउट मेथड। क्या करेंगे, पंपिंग आउट मेथड। आपको क्या लग रहा है, पंपिंग आउट यानी पानी को पंप करिए, पानी को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। दूसरा होता आपका पंपिंग इन मेथड, इसका हिंदी इंग्लिश है कि पंपिंग आउट मेथड होगा, और दूसरा क्या होगा, पंपिंग इन मेथड होगा। पंपिंग आउट में क्या करेंगे, कुएं बनाएंगे, तीन कुएं बनाते हैं, एक कुआं रहेगा आपका परीक्षण कुआं, दो कुआं रहेगा निरीक्षण कुआं, ये पतले रहते हैं, निरीक्षण मतलब देखने के लिए। ठीक है, परीक्षण कुआं, प्रारंभ में पानी का तल कहाँ था, यहाँ था, उसके बाद जब पानी परीक्षण कुआं में से क्या निकालेंगे, पानी निकालेंगे, तो पानी का तल कहाँ चला जाएगा, यहाँ। लेकिन समझिएगा, पानी का तल यहाँ जाएगा, लेकिन यहाँ भी निरीक्षण कुआ, एक परीक्षण कुआ, दो निरीक्षण कुआ। लेकिन देखिए, मिट्टी में गड्ढा खोद करके पानी निकालेंगे तो ये नलकूप है, तो नलकूप के चारों तरफ का पानी ज़्यादा निकलेगा, लेकिन जितने दूरी बढ़ता जाएगा उतने पानी कम खींच पाएगा ना, तो यहाँ तो हेड का लॉस इतना हो गया, लेकिन यहाँ हेड का लॉस इतना होगा, यहाँ हेड का लॉस क्या होगा, इतना होगा, यानी इस तरह क्या हो जाएगा, एक आपको लाइन मिलेगा, उसी तरह इधर भी हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं, अपने पास का पानी ज़्यादा खींच के फेंका है, लेकिन जितने दूर जाएंगे उतना वो कम पानी खींच पाएगा, तो इस वाले ऊंचाई को कहते हैं हम लोग Z1, इसे नलकूप A कहेंगे, इसे कहते हैं हम लोग ऊंचाई को Z2। ठीक है, और यहाँ की त्रिज्या हो जाएगी R2, दूरी त्रिज्या नहीं, यहाँ की दूरी हो जाएगी आपका R1। ठीक है, सिंपल है ये, प्रारंभ में पानी निकालते जाएंगे कोई मतलब नहीं रखेंगे कितना पानी निकल रहा है, लेकिन हम मतलब कब रखेंगे, जब पानी निकलने का रेट क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। शुरू में पानी निकालेंगे,
हम परीक्षण तब शुरू करेंगे जब पानी निकलने का रेट क्या हो जाएगा, अपने कांस्टेंट रेट से पानी निकलेगा और पारगम्यता गुणांक को हम के से ज्ञात कर लेंगे। के क्या क्या होता है हम एक मिनट देख लेना, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उतना याद नहीं रख सकते। ठीक है, वेट। वेट वेट तक क्या आपका मिल जाएगा के इजकल टू क्यू क्यू लाग लाग बेस ए आर टू माइनस अपान आर वर अपान में आ जाएगा आपका पाई जेड टू स्क्वायर अपान जेड वन का स्क्वायर। ठीक है, हम बता रहे थे ना, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं तो इसको हम लोग खुद नहीं याद रखते हैं। तो क्या था आपका पंपिंग आउट मेथड। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाक से। अब देखिए इसी तरह देख लीजिए पंपिंग इन क्या था। अब पंपिंग इन में क्या है, पंपिंग देखिए पंपिंग दूसरा है आपका पंपिंग इन, क्या आपका पंपिंग इन मेथड। यानी इसमें क्या करेंगे, एक नलकूप मिट्टी के अंदर एक नलकूप धसाएंगे और इसमें क्या करेंगे दाब के, दाब से क्या भेजेंगे पानी, दाब के साथ क्या भेजेंगे पानी। ठीक है, पानी भेजते जाएंगे, हम समय कब देखना नोट करेंगे, जब पानी जाने का दर क्या हो जाए, अगल बगल जाने का दर क्या हो जाए समान हो जाए, पानी जाने का दर क्या हो जाए समान हो जाए तब हम नोट करेंगे। उसके बाद इस फार्मूले के द्वारा K इजकल टू क्यू अपान 5.5 आर एच के द्वारा हम क्या ज्ञात कर लेंगे पारगम्यता गुणांक। आर क्या है, जो डाले थे पाइप, पाइप का त्रिज्या कितना है आर है। एच क्या है, जल शीर्ष की ऊंचाई है ना, क्योंकि इसमें जल शीर्ष तो ऊपर तक रहेगा, यहाँ तक जल शीर्ष कहाँ तक है, एच यहीं तक है। जेड ए क्या है, जल शीर्ष है, एकदम ऊपर तक जल नहीं रहेगा, लेकिन इसमें पानी दे रहे हैं ना, पानी दे रहे हैं तो जल शीर्ष एकदम देखें, यहाँ से हम प्रेशर के साथ पानी अंदर भेज रहे हैं तो एच क्या मिल जाएगा, टोटल ऊंचाई तक मिल जाएगा आर, मतलब एच मिल जाएगा। समझ आया, ए क्या है क्यू अपान क्यू क्या है, डिस्चार्ज होता है 5.5 आर एच। ठीक है, तो ये क्या था आपका पंपिंग इन मेथड और पंपिंग आउट मेथड। तो इसमें इतना ही पैटर्न नहीं है इसीलिए हम जल्दी इसको फिर खत्म कर दिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, अगला देखते हैं हम लोग। पहला है आपका, अगला है, अगला हेडिंग इसमें का एक भी टॉपिक नहीं छूटा, सारे सारे करा दिए सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस सब। एक और है उसको देख लेते हैं, उसका हेडिंग है आपका परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल, परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटिफाइड सॉइल यानी मृदा परम मृदा परत में पारगम्यता गुणांक। अब समझिएगा इसमें दो तरह से है मेरा, क्या है पैरेलल फ्लो, क्या है आपका पैरेलल फ्लो, या इसे ही हम लोग कहते हैं हॉरिजेंटल फ्लो। कौन सा फ्लो हो जाएगा आपका, हॉरिजेंटल फ्लो। दूसरा आता है आपका, आपको पता है जब पैरेलल है तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर फ्लो, या इसी का नाम है वर्टिकल फ्लो। क्या नाम है इसका, वर्टिकल फ्लो। ठीक है, अब देखिएगा पैरेलल फ्लो में क्या होगा, देखिए ये सॉइल है, भाई सॉइल का अलग अलग लेयर का बना हुआ है, इसका पारगम्यता गुणांक के वन, इसका पारगम्यता गुणांक के टू, इसका पारगम्यता गुणांक के थ्री, ऐसा बहुत हो सकता है।
इसकी ऊंचाई एच वन, इसकी ऊंचाई एच टू, इसकी ऊंचाई एच थ्री, कुल ऊंचाई एच, कुल का पारगम्यता गुणांक के एच, कुल का पारगम्यता गुणांक क्या हो जाएगा आपका के एच। ठीक है, इधर देख लेते हैं। अब देखिए इसमें फ्लो कैसे होगा, देखिए पैरेलल फ्लो होगा, देखिए ऐसा होगा, यानी अलग अलग लेयर में अलग अलग फ्लो, जब अलग अलग लेयर में अलग अलग फ्लो होगा तो उसे कहेंगे पैरेलल फ्लो या फिर हॉरिजेंटल फ्लो। इसमें देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एक, ये हो जाएगा आपका एच वन, ये हो जाएगा आपका एच टू, ये हो जाएगा आपका एच थ्री। इसमें फ्लो कैसे होगा, ऊपर से फ्लो होगा, कैसे फ्लो होगा इसमें ऊपर से, इसका पारगम्यता के वन, इसका के टू, इसका के थ्री, टोटल की ऊंचाई एच, टोटल का पारगम्यता गुणांक के भी, क्या हो जाएगा आपका के भी। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। ये लिखेंगे जब जब सॉइल का फ्लो सारे लेयर से होते हुए होगा, देखिए सारे लेयर से होते हुए होगा कि नहीं, सारे लेयर से, सारे लेयर से होते हुए होगा तो उसे कहेंगे परपेंडिकुलर फ्लो या फिर वर्टिकल फ्लो। जब वाटर का फ्लो अलग अलग लेयर में अलग अलग फ्लो होगा तो उसे क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल फ्लो। एक जेई का आता है क्वेश्चन, हम बता रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहे हैं ए सॉइल फर्स्ट है ए सेकेंड है, इधर से फ्लो होगा एक, एक फ्लो ऊपर से होगा, फ्लो नंबर ए, फ्लो नंबर बी। अब बताइएगा कौन सा फ्लो ए और बी में, खुद सोचिए आप कौन सा फ्लो हॉरिजेंटल होगा, कौन सा फ्लो वर्टिकल होगा। अपने ऑफलाइन क्लास में इसको कराए हैं, सब लोग गलत करते हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ते हैं अच्छे से, आप बता सकते हैं इसमें कौन सा फ्लो, ए फ्लो हॉरिजेंटल है, बी फ्लो वर्टिकल है, बी वर्ट हॉरिजेंटल, ए वर्टिकल, बताइए कौन सा हॉरिजेंटल कौन सा वर्टिकल, खुद सोचिए। अभी हम क्या बोले हैं, जब मिर्जा जब पानी का फ्लो सारे लेयर से होते हुए बहेगा तो उसे कहेंगे वर्टिकल फ्लो, सारे लेयर से होते हुए ये वाला बहेगा, देखिए लेयर वन, लेयर टू, ये और आ जाएगा लेयर थ्री, है ना, सारे लेयर से बहेगा ये वाला, इसे कहेंगे वर्टिकल फ्लो या फिर परपेंडिकुलर फ्लो। देखिए सारे लेयर्स होते हुए, जबकि ये वाला सिर्फ एक ही लेयर में आया, सिर्फ एक ही लेयर में गया, इसे कहेंगे हॉरिजेंटल फ्लो। कंसेप्ट क्लियर हुआ, हॉरिजेंटल फ्लो। ऐसा नहीं है फ्लो ऊपर से नीचे हो रहा है तो उसे कह देंगे वर्टिकल फ्लो, ऐसा नहीं है। हम लेयर देखेंगे, यदि लेयर को प्रत्येक लेयर से होते हुए बह रहा है तो कहेंगे हॉरिजेंटल फ्लो, सॉरी वर्टिकल फ्लो, एक ही अलग अलग लेयर में हो रहा है तो कहेंगे हॉरिजेंटल फ्लो। ठीक है, अब इसके डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, क्या होता है के एच इजकल टू हो जाएगा के वन एच वन प्लस के टू एच टू प्लस के थ्री एच थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इस पर न्यूमेरिकल अच्छा खासा बनता है, इसलिए हम फार्मूला लिखवा रहे हैं एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका के भी लिखिएगा, आपका के भी क्या देगा, एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री प्लस डॉट 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 अपान में क्या हो जाएगा आपका एच वन अपान के वन प्लस एच टू अपान के टू प्लस एच थ्री अपान के थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल फ्लो। अब आप पूछ सकते हैं कि सर इसमें अधिक कौन सा होगा, ना तो जानना जरूरी नहीं है आपके लिए, लिख लीजिए के एच क्या होता है, अधिक होता है आपका किससे, के वी से, यानी कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ हॉरिजेंटल फ्लो, कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ हॉरिजेंटल फ्लो अधिक होगा किससे, कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ वर्टिकल फ्लो से। ठीक है, वर्टिकल फ्लो से क्या होगा, ये अधिक होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम क्या लगाएंगे, देखिए ये चैप्टर फिनिश हो गया, क्या हो गया, ये फिनिश हो गया यानी ख़त्म हो गया, बाय बाय टाटा वाला। अब देखिए आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ख़त्म, चलिए इसको मिटाते हैं, अच्छे समझा देते हैं आपको। कई दिन से क्लास नहीं हो रहा था, आज हम मूड में है क्लास लेने का, है ना। देखिए पहला दूसरा चैप्टर क्या है, पहला तो हम नहीं पढ़ाए हैं, इंट्रोडक्शन है, कभी पढ़ा देंगे। दूसरा क्या होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, है ना। फिर तीसरा क्या है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉयल, चौथा क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल, है ना, इन दोनों को हम एक ही में बता दिए। पांचवा क्या है आपका परमिएबिलिटी, छठा क्या पढ़ेंगे कंपेक्शन, सातवां क्या पढ़ेंगे कंसोलिडेशन, कंपेक्शन के बाद कंसोलिडेशन पढ़ाया था। यानी आपका समझ लीजिए इंट्रोडक्शन तो एकदम आसान है, समझ लीजिए आपका पांच चैप्टर खत्म। इन तीनों का अच्छे से थियोरी बता दिए, अच्छे से न्यूमेरिकल बता दिए, इसका थियोरी अभी ख़त्म हुआ है, अभी न्यूमेरिकल बता देंगे, जस्ट अभी बता देंगे या फिर अगले वीडियो में बताएंगे, बनाएंगे तो अभी डालेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अब आपको समझ रहे हैं, तो आपका देखिए 7 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ये छोटे छोटे चैप्टर होते हैं लेकिन कंसेप्ट भरे हुए हैं, ये बहुत अच्छे चैप्टर होते हैं, चैप्टर नंबर 6 और 7 कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे इधर कंसेप्ट था ना, इधर परमिएबिलिटी उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था आपका, मतलब कि ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था इसमें, है ना। देखें हम क्या, ये दोनों अच्छे चैप्टर हैं, तो आप समझ सकते हैं आपका सिलेबस कितना 7 हो गया, बहुत होगा 3 चैप्टर और होगा, लास्ट के चैप्टर तो फर्जी चैप्टर होते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक दिन में आधा घंटा में ख़त्म हो जाएगा। सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉइल एक्सप्लोरेशन, फिर फाउंडेशन वगैरह, ये तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए आपका सॉइल है कि नहीं, आपको अब उम्मीद है ना कि सर सॉइल अच्छे से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और देखिए चलिए और राज की बात बताएंगे, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, वीडियो कहीं काटते हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा, न्यूमेरिकल करते हैं अगले वीडियो में। और क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, दो लोगों का कमेंट आता है, मम्मी का लाडला का, सौरभ का आ जाएगा, मेरे ऑफलाइन के कोचिंग के लड़कों को आ जाएगा, और लड़के इतना देखते हैं कमेंट नहीं आता है, शर्म लगता है, तो हम पेनाल्टी लगा देंगे आप लोगों पे, ठीक है। जल्दी जल्दी सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। अब मेरे सब्सक्राइबर आप देख भी सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना है कितना नहीं है, ठीक है, अब छुपाए भी नहीं है, अब खुद समझ सकते हैं कितना ग्रो करेंगे, आपको ही ग्रो करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।